सीपीएल की ऑल टाइम 11 बनाने का कर रहा हूँ मैं प्रयास। कौन होगा अंदर, कौन जाएगा बाहर? हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए, आकाशवाणी हैशटैग इसे नहीं बना पाया क्योंकि हाथ में जरा आईपैड पकड़ा है, क्योंकि टीम जब बनाओ तो फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सीजंस, यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, और खास तौर से अगर सीपीएल की बात करें तो फिर अरे एक से एक ताबड़तोड़ है इनके पास प्लेयर्स। तो पहला खिलाड़ी जो इसमें सबसे पहला नाम वो है क्रिस्टोफर हेनरी गेल का। क्रिस्टोफर हेनरी गेल इनके सामने सारे फिर एक खिलाड़ी एकदम कमाल के हैं। आपने इनके शॉट भी देखे, बड़े रचनात्मक तरीके से खेलते हैं और खूब पिटाई करते हैं। वैसे इस सीजन में उन्होंने नाम अपना वापस जरूर ले लिया, लेकिन एंड इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। पर खिलाड़ी यार जब बैटिंग करता है ना तो सिंगल हैंडेडली छक्के मार मार के सफेद बॉल को लाल कर देता है। इज दैट एनी लेट्स मूव टू द सेकंड प्लेयर, हिज पार्टनर इन क्राइम इज ऑल्सो अनदर लेफ्ट हैंडर, हिज नेम इज कॉलिन मनरो। अब ये कॉलिन मनरो जनाब के आपने देखे क्या शॉटे मारते हैं, और ये बड़ी कड़क खिलाड़ी ये भी हैं। हालांकि अगर आईपीएल वगैरह में देखे तो उतना अच्छा नहीं करते, लेकिन जब इनका बल्ला चलता है तो वो भी चलता है यार। रचनात्मक शॉट लगाना इनको पसंद है, और मुझे लगता है अगर इन पर दबाव ज़्यादा ना डालो ना तो अच्छा खेलते हैं, मतलब इनको फ्री छोड़ दो। ये आईपीएल का थोड़ा सा दबाव ये ले नहीं पाते, बट दैट्स ऑल राइट। एट नंबर 3 आई हैव गॉट निकोलस पूरन, हु इज ऑल्सो माई कीपर। जब निकोलस हो मैदान पर तो फिर काम हो जाते हैं सारे। पूरन इनका है नाम, इनका एक खास खिलाड़ी, एकदम 24 कैरेट खड़ा सोना, और इनका भी खेलने का ना अंदाज इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। बट अनदर ओवरसीज प्लेयर कमिंग अप एंड ही इज बीन ऑन द रोड फॉर एवर, मतलब इतने लंबे समय से T20 लीग में अपना ये दबदबा चलाकर बनाकर रखा है इन्होंने, और CPL में भी काम वही किया। कैरेबियन प्रीमियर लीग, आई एम गोइंग विद आवर पड़ोसी नमाज साहब शोएब मलिक। शोएब मलिक के बाद मैं जब जाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ एक और ऐसे खिलाड़ी को जिसको मैंने कप्तान भी बनाया है, जिसकी टीम ने भी अच्छा किया, खुद तो वो खैर है ही अच्छे प्लेयर, T20 का लॉर्ड कायरन पोलार्ड। अब कायरन पोलार्ड को हमने देख लिया, इनकी पिटाई विटाई भी हमने देख ली, और ये तो बॉलिंग भी कर लेते हैं, कैचेस भी अच्छे पकड़ते हैं, ये खिलाड़ी है, मतलब वही है थ्री डायमेंशनल काइंड ऑफ प्लेयर। T20 वो इनके DNA में है, अगर इनके DNA में T20 है तो एक दूसरा जो खिलाड़ी आने वाला है ना उसके DNA में दूसरा पिटाई करना है। नाम है उसका आंद्रे अंदर गेंद बाहर, आंद्रे रसल। आंद्रे रसल जी हाँ, गेंद को कई बार देते हैं मसल, पर ये बड़ा घटिया जोक है तो मैं नहीं कहूंगा, ये दिखाते हैं अपने मसल्स, ये दिखा सकता हूँ। बट इनके बाद जो आएंगे वो भी खिलाड़ी कहते हैं भैया देखिए उनकी धुन पर लोग नाचते हैं, नाम है इनका DJ ब्रावो। DJ Bravo champion, well he is the champion, we all know he is the champion, but then इनके बाद ये कैसा खिलाड़ी आता है, ये टीम जो बन रही है ना ये वर्ल्ड बीटर बन रही है यार। मतलब खड़े होकर भाई सैल्यूट करो इनको, नाम है इनका नारायण नारायण सुनील नारायण। सुनील नारायण के बाद मैं जा रहा हूँ शेल्डन कॉटरल की तरफ। शेल्डन कॉटरल इज ऑल्सो इन माई टीम। शेल्डन कॉटरल का वो सैल्यूट अच्छा करते हैं, इनका खेलने का अलग तरीका है, इनका अंदाज अलग है, थोड़ा राउंड आर्म से इन स्विंग करेंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे बल्लेबाजों को, पर ये विकेट चटकाते हैं, ये विकेट टेकर है, थोड़े महंगे हो सकते हैं पर ये विकेट चटकाने वाले हैं। एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मेरे पास है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं सुहेल तनवीर। रिमेंबर द सुहेल तनवीर जिन्होंने पहली बार जब IPL हुई थी तो फिर सबकी किलियां उड़ाई थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, दैट्स सुहेल तनवीर इज इन माय CPL ऑल टाइम 11। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किशमार संतोखी। तो ये तो हो गए मेरे 11 किशमार संतोखी की, जरा पहले देख लीजिए गेंदबाज। चलिए अब आपने मेरी 11 देख ली, आपको 11 कैसी लगी, आपको शो कैसा लगा ये भी बताइएगा, इसके ऊपर हम बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है, और CPL का सीजन 18 तारीख को शुरू होने वाला है उसके लिए भी हो जाओ तैयार, क्योंकि #आकाशवाणी इज गोइंग टू बी विद यू गाइस।